लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में हिंसा थमी, अब तक 34 लोगों की हुई मौत, सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। राजस्थान के सीकर में दिल्ली हिंसा में मारे गए जवान रतनलाल का हुआ अंतिम संस्कार, 7 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। और भीलवाड़ा में लापरवाह बस चालक और प्रबंधक संचालक को निलंबित करने की मांग, रोडवेज बस की टक्कर से संधारा गांव के 11 लोगों की हुई थी मौत। और अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और समर्थन में आयोजित प्रदर्शन के बाद दिल्ली नॉर्थ ईस्ट इलाके में भड़की दिल्ली हिंसा में अब तक 34 लोगों की जाने जा चुकी है और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई दिनों से हिंसा के बाद स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। सुरक्षा बलों ने गुरुवार तड़के हिंसा प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। ये फ्लैग मार्च दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त NS श्रीवास्तव द्वारा बुधवार गुरुवार मध्यरात्रि में उत्तर पूर्व जिला में स्थित का जायजा लेने के लिए कुछ घंटों बाद किया गया। राहत देने वाली खबर यह रही कि बुधवार को कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, तो वहीं हिंसा की खबर भी कहीं से नहीं आई। दिल्ली पुलिस ने भी दावा किया है कि हालात काबू में है। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले NSA अजीत डोभाल ने कहा कि सब फिलहाल शांत है। इधर सीकर में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल का बुधवार को राजस्थान के सीकर जिले में स्थित उनके पैतृक गांव तिहावली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उनके 7 साल के बेटे राम ने मुखाग्नि दी। सोमवार को दिल्ली में CAA के प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में गोली लगने से रतनलाल की मौत हो गई थी। बुधवार सुबह जब रतनलाल की पार्थिव देह जब गांव पहुंची तो ग्रामीणों उनके घर के करीब 15 किलोमीटर दूर ही शव वाहन को रोक लिया। ग्रामीणों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया और जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग की। इस दौरान सांसद सुमेधानंद सरस्वती वहां पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार ने ग्रामीणों की मांग मान ली है, रतनलाल को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और शहीद के परिवार को दी जाने वाली हर सुविधा उनके परिवार को दी जाएगी। तो वहीं केंद्रीय सरकार ने भी 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। तो दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी का वादा किया है। नागौर में खींवसर के पांचुला सिद्धा गांव में वीर तेजाजी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर ज्योति मिर्घा, पूर्व सांसद नागौर सवाई सिंह चौधरी, पूर्व DIG बद्रीराम जाखड़, पूर्व सांसद पाली ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि नागौर की धरती साधु संतों की जन्मभूमि है। खरनाल में वीर तेजाजी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वीर तेजाजी मंदिर का निर्माण शुरू किया जाएगा, इससे विश्व स्तर की पहचान बनेगी। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर ज्योति मिर्घा, पूर्व सांसद नागौर ने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए। शिक्षित महिला ही 2 घरों का नाम रोशन करती है। मिर्घा ने कहा कि नागौर की धरती सुरवीरों की धरती है। इस अवसर पर कथावाचक गोपाल दास महाराज, महंत सूर महाराज, मुंडावा प्रधान राजेंद्र फिरोड़ा, नागौर प्रधान ओम प्रकाश सेन सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। इधर भीलवाड़ा में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा युवा की महिला जिला अध्यक्ष अर्चना दुबे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम SDM नरेंद्र जैन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बिगोद जिला भीलवाड़ा के निकट राजस्थान रोडवेज बस की टक्कर से भीषण दुर्घटना से संधारा गांव के 11 लोगों की अकाल मौत हो गई थी। इन मृतकों के परिवार में कमाने का कोई जरिया नहीं रहा, साथ ही अभी 3 जने घायल है। समाज द्वारा पहले भी कई बार ज्ञापन दिया गया जिसमें अभी तक कोई संतोषजनक जवाब और उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए का मुआवजा देने और लापरवाह बस चालक चंद्र प्रकाश खटीक और समाज के लोगों से अभद्र व्यवहार करने वाले प्रबंधक संचालक
एमओ नेनाराम पूनिया को तुरंत प्रभाव से निलंबन करने की मांग रखी गई है। नसरुल्लागंज में नम्रदा अंचल में गरीब निर्धन कन्याओं का विवाह कराने की परंपरा रही है। इसी संदर्भ में बुधनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बोरना में निर्धन गरीब कन्याओं का विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विवाह समारोह कार्यक्रम में क्षेत्र की 11 निर्धन गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन खेरी सरगना स्थित जागेश्वर धाम में किया गया। कन्याओं को प्रमाण पत्र के साथ गृहस्थी का सामान लक्ष्मी नारायण समाज सेवी समिति बोरना द्वारा दिया गया। विवाह कार्यक्रम के बाद बारातियों के स्वागत में हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इसमें हास्य व्यंग के कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में क्षेत्र के समृद्ध प्रगतिशील किसानों, पत्रकार और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले क्षेत्रीय प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। समिति के अध्यक्ष विक्रम तिवारी ने बताया कि विगत 4 वर्षों से वह क्षेत्र के गरीब और निर्धन परिवार जो अपनी कन्या का विवाह करने में सक्षम नहीं होते, उनका विवाह समिति के माध्यम से कराया जा रहा है। सिकंदरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्राह्मण बराड़ा में वार्षिक उत्सव के साथ भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि घनश्याम मीणा शिक्षा अधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय के विकास में भामाशाह का विशेष योगदान रहा है, इसलिए सम्मान के हकदार है। उन्होंने कहा कि विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी अच्छे मुकाम पर हैं, उन्हें भी विद्यालय के विकास में योगदान देना चाहिए। शिक्षकों को विद्यालय में बेहतर परिणाम लाने का आह्वान किया है। इस दौरान प्रधानाचार्य कालाखे राम सिंह बैरवा ने छात्रों को गुरुओं के प्रति सम्मान बनाए रखने हेतु बेहतर परीक्षा परिणाम देने की बात कही है। प्रधानाचार्य देवेंद्र मिश्रा ने आगंतुओं के भामाशाहों का सम्मान करते हुए उनकी सराहना की है। इस अवसर पर अशोक पाराशर, ताराबाई सैनी, राधेश्याम शर्मा, भामाशाह गिरिराज मीणा, राजेंद्र शर्मा, फतेह सिंह मीणा सहित विद्यालय स्टाफ और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अजमेर में विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से चादर पेश की गई और प्रदेश के साथ साथ देश में अमन चैन की दुआ की गई। राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंद राम जायसवाल चादर लेकर ख्वाजा के दरबार पहुंचे और मजारे शरीफ पर अकीदत के फूल के साथ चादर पेश की गई। इस मौके पर दरगाह परिसर में राज्यपाल कलराज मिश्र का संदेश जनता के बीच पढ़ा गया। संदेश में कहा गया कि ख्वाजा साहब प्यार और मोहब्बत के साथ ही भाईचारे का संदेश दुनिया में देते हैं और गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी है। वो बताते हैं। मैं गोविंद जायसवाल हूँ। मैं आज माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र जी के ओर से सभी को उर्स की मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपेक्षा की है कि हमारे देश और प्रदेश में अमन शांति बनी रहे, सभी की समृद्धि हो, सभी आगे बढ़ें और खुशहाल रहे हमारा प्रदेश, सभी प्रदेशवासियों सभी देशवासियों के लिए उनकी शुभेच्छाएँ हैं और उन्होंने अपनी शुभकामनाएँ दी। साथ ही दरगाह में आने वाले सभी जायरीनों को बहुत बरकत मिले, इसकी कामना की। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज और मुझे यानी कि अंकित माथुर को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज।